नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में, वल्कनाइज रबर में फर्क क्या होता है, जरा अपन दोनों के फर्क चेक कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले तो नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बेसिकली, नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। नेचुरल रबर बेसिकली सॉफ्ट होता है और स्टिकी मतलब चिपक जाता है, ये समस्या है। लेकिन वल्कनाइज रबर बेसिकली हार्ड होता है, दिस इज हार्ड, और बेसिकली नॉन स्टिकी होता है, चिपकता नहीं है। वल्कनाइज रबर चिपकता नहीं है। आ जाओ दूसरा वाला, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नेचुरल रबड़ की बहुत ही लो होती है, मतलब अगर आपने ज्यादा खींच दिया तो फट जाएगा। लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वल्कनाइज रबड़ की होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा खींचोगे फटेगा नहीं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इलास्टिसिटी इसमें भी होती है, बट वल्कनाइज रबड़ में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वल्कनाइज रबड़ में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप नेचुरल रबड़ को 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा। समझो, नेचुरल रबड़ को 10 से 60 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हो, उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा। जबकि आप वल्कनाइज रबड़ को -40 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस के 100 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हो, ये मेल्ट नहीं होगा या फिर ये यूजेबल रहेगा, मतलब -40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक मायने रखता है। पांचवा पॉइंट क्या है, इट हैज लोअर वियर एंड टीयर, मैंने आपको पहले ही कहा था फट जाता है, अगर आप ज्यादा खींचोगे तो फट जाएगा, लेकिन वल्कनाइज रबर बेसिकली ज्यादा खींचने पर फटता नहीं है। आया सबको समझ में, वल्कनाइज रबर फटता नहीं है। छठा पॉइंट क्या है, आपका जो नेचुरल रबर है बेसिकली सोल्यूबल होता है, सोलवेंट लाइक ईथर में घुल जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाता है, पेट्रोल में घुल जाता है। समझो, आपका नेचुरल रबर ईथर में घुल जाएगा, ईथर आर ओ आर को ईथर को बोलते हैं, और इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुल जाएगा, ये सॉल्वेंट है। इसके अलावा पेट्रोल में भी घुल जाएगा, लेकिन आपका जो वल्कनाइज रबड़ है बेसिकली वो नहीं घुलता। तो उसकी खास बात होगी वो घुलता नहीं है, तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो वल्कनाइज रबड़ जो है सॉल्वेंट में नहीं घुलता।